सो वॉज गुड एवरीवन, एक बार फिर आ चुके हैं PZ बाइकर्स पॉइंट KTM RC 200 लेकर, क्योंकि इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं व्हील कवर जो कि यहाँ पूरे के पूरे टायर को कवर कर लेगा। बाइक बिलोंग करती है हमारे लक्षित भैया को, हेलो कर दो। फटाफट से इसको ओपन करते हैं क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। जो व्हील कवर हम लेकर आए वो वहाँ पर पड़ा है, उसको लगाने के लिए हमको ये पूरा का पूरा टायर बाहर निकालना पड़ेगा और यहाँ वाले इस वाले एरिया से एक डिस्क अंदर जाएगी और सेकंड वाली जाएगी उस साइड से, तब जाके ये होगा फुल कवर। फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या बात है। तो गाइज ये वाला जो है ये मेन आउटर कवर है, ये इसके ऊपर में एक फिल्म लगी हुई है जिसको जैसे हम उतारेंगे अंदर दोनों के दोनों ग्लॉस ब्लैक होंगे। ये वाला जो एरिया है ये पीछे रहेगा। एक डिस्क में इधर वाली साइड में होल दे रखा है, यहाँ से हम हमारा एयर इनटेक वाली पाइप बाहर निकालेंगे। दूसरी वाली डिस्क में ऐसा कोई होल नहीं है। RC 200 में टायर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा एक टास्क बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हमको ये टायर अगर भी निकालना पड़ेगा पहले। एंड सक्सेसफुली यहाँ पर टायर बाहर आ चुका है। अभी सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये है कि हम एलॉय को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं क्योंकि एक बार डिस्क लग जाएगी उसके बाद हमको नहीं पता ये कब वापस खुलेगी। डिस्क ब्रेक वाले डिस्क हमने यहाँ से निकाल दिया और एक बार इसका प्लेसमेंट प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि कैसे सेट करेंगे। एंड यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं अनरैप। हमको पता नहीं था कि ये मैट फिनिश में है, मैंने सोचा ये ग्लॉसी होगा, बट मैट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस हमारी गाड़ी भी मैट में है तो काफी सूट करेगा। तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ तो हमने सब खोल दिया है, टायर में वहां पर लगा भी दिया है, बट जो स्क्रूज हमको लगाने हैं वो नहीं मिल रहे हैं। जस्ट बिकॉज आज संडे है, सारा का सारा मार्केट बंद है, तो फिलहाल हम अपनी सुपर बाइक पर जा रहे हैं क्रूज लेने के लिए मार्केट। उस पर सीट नहीं है वरना उस सुपर बाइक पर भी ले जाते। क्रूज तो मिले नहीं तो वापस से टायर इंस्टॉल कर रहे हैं और इसी पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कल। Day 2। तो गाइस दिस इज द वेरी नेक्स्ट डे, हम फिर से KTM RC 200 न्यू जनरेशन को लेकर आ चुके हैं। टायर वगैरह सब कुछ ओपन कर दिया है, यहाँ हमने स्प्रॉकेट निकाल दिए, कवर निकाल दिया। अब फटाफट से कल वाला सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कल हमने पूरा मार्केट ढूंढा लेकिन ये वाले स्क्रूज नहीं मिल रहे थे, फाइनली आज मिल गए तो आज अपन इंस्टॉल कर लेंगे। एक साइड की हमने फिक्स कर दी है, सेकंड वाली को एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं होल को अच्छे से अलाइन करके। साथ ही में हमने यहाँ पर होल्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इन वाले बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्या हुआ, क्रिस्टल क्लियर। एंड कुछ इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट बोल्ट यहाँ पर लगा दिया है स्क्रू के साथ। हम फटाफट से एक बार इसको पूरा का पूरा प्रॉपर फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ क्योंकि अब सिर्फ स्क्रूज एंड बोल्ट्स लगाना बाकी है। सो गाइस ऐसी कुछ फिनिशिंग आपको देखने को मिल रही है, एकदम सीमलेस एंड क्रिस्टल क्लियर। इसको उल्टा करना दोनों साइड से, प्लस ये जो स्क्रूज और बोल्ट्स यहाँ पर यूज हुए हैं इनको अभी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। सो गाइस ये रहा हमारे सामने फाइनल आउटपुट जिसमें KTM RC 200 न्यू जनरेशन में हमने लगाई है व्हील कवर, वो भी फाइबर शीट वाली, जिससे हमारा व्हील का पूरा पूरा कवरेज हो चुका है। एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा क्रेजी लुक्स आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको 360 व्यू भी देता हूँ। फिलहाल ये पूरा काम हुआ है PZ बाइकर्स पॉइंट पे, जिसकी सारी के सारी डिटेल्स आपको इस वाली स्लाइड के बाद में देखने को मिल जाएगी। फटाफट से एक 360 कवर आपको देता हूँ। सबसे ज्यादा क्रेजी ये वाला लुक लग रहा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दे दो।